आखिरकार रूस पहुंच गए पीएम मोदी और जो चीजें पश्चिमी दुनिया के अनुसार नहीं होनी चाहिए थी वो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह के साथ जो राष्ट्रपति पुतिन ने किया वैसा ही कुछ पीएम मोदी के साथ भी किया है। पर इन सब के बीच में जेलेंस्की भड़क उठा और जेलेंस्की के साथ साथ अमेरिका ने भी भारत को एक बड़ा संदेश दिया और पीएम मोदी को पुतिन को क्या कहने को कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह सीआईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर स्पुतनिक इंडिया ने एक वीडियो शेयर किया कि किस तरीके से पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रूस के, और यहाँ से वेलकम के बाद वो आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी, रूसी और भारतीय दोनों लैंग्वेज में इन्होंने पोस्ट किया। हालांकि आपको बता दूं पीएम मोदी के इस पोस्ट के बाद कई तरह के यूक्रेन के कमेंट भी आए। जेलेंस्की ने इस मुलाकात को लेकर एक लाइन कही है, पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था, यक्ष प्रश्न कि क्या पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन गले मिलेंगे। और स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जब पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के करीब पहुंचे तो उन्होंने फिर किस तरीके से गले लगाया। और ये गले लगाने की बात छोटी मोटी नहीं है, यूं मत समझिए कि इसकी चर्चा नहीं हो रही है। डेरेक जे ग्रॉसमैन इन्होंने क्या ट्वीट किया कि मैं सोच रहा था कि शायद पीएम मोदी पुतिन को गले नहीं लगाएंगे क्योंकि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है, पर मैं गलत था और मोदी ने पुतिन को गले लगाया। खैर, अब ये बड़ी अजीब बात है कि गले लगाने पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। पर आपको बता दूं जियोपॉलिटिक्स में छोटी बड़ी सारी चीजें संकेत बहुत ज्यादा मायने करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, स्क्रीन पर एक वीडियो को देखिए, जब पीएम मोदी पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक प्राइवेट डिनर हुआ, एक प्राइवेट टी पार्टी भी हुई। और यहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आप बहुत ही एनर्जेटिक हो। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है भारत के लिए। इन्होंने ये भी कहा कि आप तीसरी बार फिर से पीएम बने हो, इसके पीछे कोई संजोग नहीं है बल्कि आपका किया गया काम है जिसकी वजह से आप तीसरी बार फिर से चुने गए हो। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को लेकर अपने कई स्थानों पर गए, पर सबसे खास मोमेंट आया। खास मोमेंट कौन सा था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने गोल्फ कार्ट की सवारी करी, राष्ट्रपति पुतिन खुद चला रहे थे, पीएम मोदी इसमें बैठे हुए थे और ये उन्हें चलाकर अपने गोल्फ और अपने आवास के दर्शन करा रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये कुछ उत्तर कोरिया में जो हुई घटना है उसके साथ मिलता जुलता लगा। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर दोनों अकेले हैं, आपस में क्या बातें कर रहे हैं, कोई ट्रांसलेटर नहीं था बीच में, फिर भागकर ट्रांसलेटर आया और फिर ट्रांसलेटर ने बातों को ट्रांसलेट करना शुरू किया। राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की ये तस्वीर, जिसमें एक बार राष्ट्रपति पुतिन कार चलाते हुए दिख रहे हैं तो दूसरी बार आपको किम जोंग उन कार चलाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की दोस्ती एकदम से जय वीरू वाली दोस्ती यहाँ देखने को मिली। और जैसा मैंने कहा, जियोपॉलिटिक्स में कूटनीति में बहुत ज्यादा मायने करते हैं ये चीजें। ये बता रहा है कि इन दोनों की मित्रता बहुत ही प्रगाढ़ है। पर इन सब के बीच में अमेरिका से सवाल किया गया तो अमेरिका ने क्या कहा कि हम चाहेंगे जब पीएम मोदी उनसे मिले तो वो उनको कहें कि आप यूक्रेन युद्ध को लेकर जवाबदेह बनिए और इसी और यूक्रेन का सम्मान कीजिए। अमेरिका ने अपनी तरफ से ये बात कहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं मैथ्यू मिलर से, जब पत्रकार ने पूछा कि वहाँ देखो जी वहाँ तो मिल रहे हैं दोनों गले, तब जाकर मैथ्यू मिलर ने ये बात कही है। और इन्होंने अपील की कि यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा पीएम मोदी कहें। हालांकि पीएम मोदी ने युद्ध से संबंधित क्या बयान दिया है वो जब तक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक कहना मुश्किल है। पर फिलहाल के लिए पीएम मोदी ने एक बात कही है कि भारतीय सैनिकों की वापसी होनी चाहिए, जिसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हामी भी भर दी है कि ठीक है हम यहाँ पर जितने भी भारतीय सैनिक हैं
उन्हें हम लौटाएंगे। द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे कारणों से यहाँ पर हो रहा है और आपको बता दें, ये तो रही अनौपचारिक बातचीत जो राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच में हो रही है। आज शाम तक कई सारी चीजें निकल कर आएंगी कि दोनों के बीच आधिकारिक बात क्या हुआ, अगर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट भी निकल कर आएगी। लेकिन पीएम मोदी ने जब भारतीय लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने क्या कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो दिखाता भी है कि भारत और भारतीयों के लिए क्या नजरिया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि रूस भारत का सुख दुख का साथी है। भारत के बच्चे बच्चे के मन में रूस के नाम का मतलब है भरोसा। हालांकि भारतीय समुदाय को लेकर इन्होंने और भी चीजें बताई कि किस तरीके से भारत में सब कुछ बदल रहा है, भारत के विकास को देखकर दुनिया भी हैरान है। पर इन सब के बीच में जेलेंस्की का भी गुस्सा फूटा और जेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मालिक एक ऐसे शख्स को गले लगा रहे हैं जो कि हत्यारा है और जिन्होंने देखिए अभी हाल ही में अस्पताल पे हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के जेलेंस्की। पर एक चीज और भी आती है और वो चीज है कि पहली चीज, अमेरिका या पश्चिमी देश अभी भी भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब चाइना के साथ टेंशन चल रहा था तब जर्मनी ने जोरावर टैंक के लिए इंजन देने से मना कर दिया और ऐसा माना जाता है कि जो भरोसा रूस के साथ हो सके वो भरोसा अमेरिका के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में भी कुछ न कुछ वक्तव्य गढ़ता रहता है। और इससे भी बड़ी बात ये है, चाइना, भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत एकदम से अकेला हो जाए। आप जरा सोचिए, रूस और चाइना के बीच में जिस तरीके से चल रहा है, रूस को न चाहते हुए भी चाइना की तरफ झुकना पड़ रहा है। हालांकि रूस ने भी पीएम मोदी के स्वागत के साथ ये दिखला दिया है कि नहीं जी, हम अकेले नहीं हैं, ये मत समझो कि एक फोन से ये जंग बंद हो जाएगा। पर भारत के लिए क्या हो, अमेरिका भरोसेमंद है नहीं, रूस भी हाथ से चला जाए, रूस की भी दोस्ती खराब हो जाए और उसके बाद अगर भारत के साथ किसी तीसरे देश की जंग होती है तो फिर समझिए कि भारत हो जाएगा अकेला। कूटनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी हानि है जो भारत को होती, इसलिए बेहतर है कि भारत एक बैलेंस बनाकर चले। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।